बहुत दिन हो गए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना रहा। इसका ये रीज़न है कि अभी थोड़ा काम इतना बढ़ गया है कि मैं वीडियो के लिए टाइम नहीं दे पा रहा। एक्चुअली जो यूट्यूब है वो मेरा इनकम करने का सोर्स नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सके, ना कि मैं इससे पैसा कमाऊँ। जब सतीश भाई के चैनल पर मेरा वीडियो आया तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया सीखने के लिए हिंदी ब्लॉगिंग, तो मैं सोचा कि जो नॉलेज मैं इतने सालों मैंने गेन किया है चलो आप तक पहुँचाया जाए। इसीलिए मैं YouTube शुरू किया हूँ, ना कि इसे आपको ठकूँ और आपसे पैसा कमाऊँ। तो आज मैं फिर से टेलीग्राम के ऊपर आ गया हूँ क्योंकि बहुत भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई टेलीग्राम का जो सीरीज कंप्लीट कर दो। हाँ, ये भी सही बात है। तो टेलीग्राम के ऊपर एक दो वीडियो बनाने से टेलीग्राम सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं कि रेगुलरली बनाऊँगा मैं। इसके बाद शायद कुछ ब्लॉगिंग का वीडियो है, उसके बाद शायद टेलीग्राम का वीडियो आए। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको रातों रात सब्सक्राइबर मिल जाएगा, क्या 1-2-5 महीने मिल जाएगा। मुझे जितने सारे भी सब्सक्राइबर मिले हैं वो 2-3-4 साल मिले हैं। टेलीग्राम पे आपका जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं तो उन तक इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाता है, तो इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन एक छोटा मोटा अर्निंग कर सकते हो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि टेलीग्राम का जो मेंबर्स है, चैनल मेंबर्स, उसको कैसे मैं इंक्रीज करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। जो पहला तरीका है वो है ऑप्टिमाइज योर टेलीग्राम चैनल। आपको आपका टेलीग्राम चैनल को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। वो क्यों? आपका चैनल जिस रिलेटेड है उसका जो नाम है उसी रिलेटेड होना चाहिए। उसी डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल के बारे में कुछ लिखना होगा। आप चाहे तो अपना वेबसाइट वगैरह का लिंक दे सकते हो। और उसका जो यूजर नेम होगा अगर वो आपके नाम से मिलता जुलता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप ये कोशिश करना कि पहले एक यूजर नेम ढूंढना कि कौन सा यूजर नेम अवेलेबल है जो कि आपको पसंद है। अगर वो यूजर नेम अवेलेबल है तभी जाके उसी नाम से आपको चैनल बनाना है। जब भी कोई यूजर टेलीग्राम पे आके कुछ चैनल का नाम सर्च करता है तो उसको अगर चैनल का कोई नाम होगा तो उस नाम से नहीं मिलता, अगर इसका यूजर नेम होगा उसी नाम से मिलता है। तो इसीलिए ये कोशिश करना कि आपका जो नेम है वो आपके यूजर नेम के साथ मैच करे। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है प्रमोट योर टेलीग्राम चैनल। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप दूसरे जो चैनल है जो आपके रिलेटेड है, सपोज मान लीजिए कि आप एथलीट रिलेटेड कोई चैनल खोले हैं, या फिर आप में टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई चैनल खोला है, या फिर आप कोई फन रिलेटेड कोई चैनल खोले हैं, तो आपका जिस कैटेगरी में चैनल है उसी रिलेटेड आप चैनल ढूंढिए और उनका जो एडमिन है उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उससे आप कुछ मनी ऑफर कर सकते हो आपका चैनल को प्रमोशन के लिए। आप उससे घंटे के हिसाब से पैसा दे सकते हो या फिर व्यूज़ के हिसाब से पैसा दे सकते हो, क्योंकि यूजर के हिसाब से कोई पैसा देता नहीं है, मतलब कोई मानेगा नहीं कि मैं इतना यूजर आएगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, कोई चैनल अगर मानेगा नहीं। तो आप घंटे के हिसाब से या फिर व्यूज के हिसाब से उसको पैसा दे सकते हो। और कभी कभार ये होता है कुछ चैनल्स ऑनर्स मिला के एक एड डालते हैं, तो आप भी चाहे तो अपना लिंक उधर डाल सकते हो और जो एड होगा वो एड सभी चैनल में जाएगा। उस एड में जितने सारे चैनल का नाम होगा वो सभी चैनल में जाएगा, तो एक अच्छा रहता है जल्दी गेन करने के लिए। लेकिन बात यह कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का जो रहता है चैनल्स, तो अगर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से आपसे मतलब आपके चैनल पर मेंबर आ जाए तो भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपका 4-5 हज़ार भी मेंबर है, तो अच्छे मेंबर है, तब भी आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप कुछ एथलीट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मतलब नहीं है कि आपके चैनल में लाखों मेंबर हो। आपके चैनल में जितने भी मेंबर्स हो बस उनको आपका जो प्रोडक्ट लिंक दे रहे हो उसको खरीदना जरूरी है, बस ये बात ध्यान में रखना। तीसरा है ग्रुप्स। आप अपने चैनल से रिलेटेड ग्रुप्स भी ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। ऐसे मत करना कि आप अगर कहीं ग्रुप पे ज्वाइन करते हो तुरंत जाके उधर अपना लिंक शेयर कर दो, वैसे तो आपको बैन कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मेल भाव थोड़ा बनाए रखना, फिर जाके आप अपना लिंक उधर जाके शेयर करना तो शायद आपके अलाउ कर सकते हैं, या फिर जो मेंबर हैं उस ग्रुप में जो पोस्ट कर रहे हैं एक्टिव है तो आप उनको पर्सनल मैसेज करके उन्हें भी आप मना सकते हो कि आप जाके आपके चैनल को ज्वाइन करें। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने चैनल्स में मेंबर बढ़ाने का। जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो है सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है अपने चैनल में मेंबर्स बढ़ाने के लिए। आप फेसबुक का इस्तेमाल करके वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे जाके आपका प्रमोशन कर सकते हो और वहाँ से यकीन मानिए अच्छा खासा मेंबर भी जुड़ जाता है। जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है वो है आपके खुद के वेबसाइट पे प्रमोशन करना या फिर आपके ब्लॉग में प्रमोशन करना। जैसे कि हमारा हिंदी में .net ब्लॉग पे हमारा चैनल का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से हमें जितना भी मेंबर आते हैं वहाँ से ही आते हैं। शायद वो एक कम हो लेकिन जितने भी आते हैं जेन्यून आते हैं जिनको कि ब्लॉगिंग और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर इंटरेस्ट है। तो अगर आपका अच्छा खासा ब्लॉग है जिसमें कि थोड़ा बहुत ऑडियंस भी आ रहे हैं तो जाके आप अपना लिंक उधर दे सकते हो और अपने जो यूजर्स हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जाके आप हमारा चैनल ज्वाइन करो और हम अपने चैनल में आपको कुछ अलग तरीका बताएंगे या फिर इंस्टेंट तरीका बताएंगे, क्योंकि ब्लॉग में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता लेकिन आप चैनल में बता सकते हो। तो ये आप अपने जो यूजर्स हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको आप कुछ ललचा सकते हो ये चीज़ दिखा के, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। सिक्स नंबर पॉइंट है कोरा। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने मैक्सिमम जो मेंबर है कोरा से लिया है। आपका चैनल जिस रिलेटेड है उसी रिलेटेड से आप जो क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए और नीचे आप जाके अपना लिंक भी दे सकते हो। मैंने कोरा के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कोरा से ट्रैफिक कैसे लाना है। आपको बस वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा। आपको बस वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि जिस स्ट्रैटेजी से आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आते थे बस आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपके चैनल पे भी ट्रैफिक लाना है और वहाँ उनको ज्वाइन कराना है। आप टेलीग्राम सर्च करके टेलीग्राम के रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनका सवालों का जवाब दे सकते हो या फिर आपका चैनल जिस रिलेटेड है उसी रिलेटेड जितने सवाल है वहाँ जाके उनका जवाब दे सकते हो और नीचे आपको स्मार्टली अपना लिंक छोड़ देना है बस। तो ये जल्दी काम नहीं करता लेकिन धीरे 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 आपके मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। जो सेवन नंबर पॉइंट है वो है चैनल लिस्टिंग साइट्स। जैसे हमारा ब्लॉग डायरेक्टरी हो गया, वेब डायरेक्टरी होता है, ऐसा ही बहुत सारे इंटरनेट पर साइट है जो कि टेलीग्राम चैनल्स ग्रुप स्टिकर्स ये सबको लिस्ट करते हैं। आप जान के उनमें आप रजिस्टर कर सकते हो, अपना चैनल लिंक दे सकते हो। कुछ साइट है जैसे टेलीग्राम चैनल्स .net या फिर tlgrm.eu, मैं आपको इधर साइड में लिंक थोड़ा दे दूंगा। आप जाके वहाँ रजिस्टर करके अपना चैनल को लिस्ट कर दोगे तो जिस कैटेगरी में होगा धीरे जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे आपका चैनल से ऊपर आता जाएगा और उसमें मेंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये सब कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। इससे आपको रात रात सब्सक्राइबर नहीं मिलने वाले लेकिन ये आपको एक स्टडी और एक अच्छा आपको जेन्युइन एक सब्सक्राइबर बेस देगा जिससे आपका बिजनेस हो सके और थोड़ा इनकम हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके चैनल में कुछ मेंबर्स आ गए हैं तो आपको उससे इनकम या अर्निंग कैसे करना है, किन किन तरीकों से मैं अर्निंग करता हूँ। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अभी मैंने एक एफिलिएट का भी चैनल बनाया है, आप देख सकते हो कितने मेंबर्स हैं। हाँ, और आपका जो मेंबर्स है वो थोड़ा ऊपर नीचे वो घटता बढ़ता रहता है तो उसका कोई चिंता नहीं है। तो इससे एक हफ्ते में हमारा कितना अर्निंग हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है टेलीग्राम से इनकम करने के लिए तो अभी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है और नोटिफिकेशन को ऑल में रखना ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मुझे पता है लेकिन टाइम निकाल के कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्या करें ऐसा काम में फंस गया हूँ थोड़ा। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।